उज्जैन में पुलिस ने गुंडों व हिस्ट्री शीटर बदमाशों के खिलाफ मुहिम चला रखी है। प्रशासन, पुलिस व निगम ने मिलकर 10,000 का कुख्यात इनामी बदमाश इमरान उर्फ बिल्ला का विराटनगर स्थित मकान ढहा दिया है। उज्जैन पुलिस ने मंगलवार को कुख्यात गुंडे का मकान धराशायी कर दिया। अधीक्षक मनोज कुमार सिंह व कलेक्टर आशीष सिंह ने नगर निगम की टीम को साथ लेकर विराटनगर में हिस्ट्री शीटर बदमाश इमरान उर्फ बिल्ला का अवैध मकान गिराने की कार्यवाही शुरू की। बदमाश इमरान पर थाना चिमनगंज क्षेत्र में 30 आपराधिक प्रकरण दर्ज है, साथ ही इस पर 10,000 का इनाम भी है। इस कुख्यात बदमाश पर जिला बदर की कार्यवाही भी की जा चुकी है। इमरान लंबे समय से फरार चल रहा है। ये कार्यवाही तहसीलदार पूर्णिमा सिंधी के नेतृत्व में की गई। देखिए, ये इमरान उर्फ बिल्ला के खिलाफ कार्रवाई आज करी गई है और उसका जो घर है उसको तोड़ने की कार्रवाई, जो इलीगल तरीके से बनाया हुआ था उसकी कार्रवाई करी गई है। उसके खिलाफ दसियों प्रकरण जो हैं वो पेंडिंग है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं, और जैसा आमतौर पर देखा जाता है कि जो अपराधी होता है एक अपराध करता है, प्रकरण दर्ज होता है, सजा भी होती है, लेकिन फिर से वो दूसरा अपराध करता है, तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं वो ये हैं कि ऐसे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो प्योर क्राइम से संबंधित हो, चाहे सहकारिता संबंधित हो, कॉलोनी संबंधित हो, न केवल इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया जाए, बल्कि ऐसा जो आर्थिक तंत्र है जो इन लोगों को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये लोग ऐसे क्राइम कर पाते हैं, उस आर्थिक तंत्र को भी पूरी तरीके से तहस नहस किया जाए। इसी क्रम में हम लोगों ने कुछ लोग आइडेंटिफाई किए हैं जिनका बहुत ज़्यादा भय है, जो कई बार लोगों को ठग चुके हैं, अलग अलग विभागों से संबंधित वो क्राइम कर चुके हैं। ऐसे सभी लोगों की लिस्ट बनाकर इनकी जो संपत्तियां हैं, अगर अवैध संपत्ति है उसको तोड़ने का काम, और अगर शासकीय संपत्ति पे कब्जा है तो उसको वापस शासन को देने का काम हम लोगों ने चालू किया है। ये जो आज मुहिम है ये केवल एक शुरुआत है, बहुत जल्दी ही आप लोगों को ऐसे अनेक लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी। देखिए, मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी तरह से बरकरार रहे और जो भी गुंडे बदमाश हैं उनके खिलाफ पूरी सख्त कार्रवाई करी जाए। इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन के निर्देश भी हैं, हमने पहले से भी गुंडा अभियान चला रखा था माननीय शासन के निर्देशानुसार। उसी क्रम में हम लोगों ने उज्जैन जिले के बहुत सारे ऐसे गुंडों को चिन्हित किया है जिनका शहर में आतंक है, मोहल्ले में आतंक है, और जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बहुत जरूरत है ताकि कानून व्यवस्था बन सके और लोगों में गुंडों के खिलाफ भयमुक्त हो सके और भयमुक्त वातावरण बन सके। इसी क्रम में आज हम लोगों ने बिल्ला उर्फ इमरान को चिन्हित किया था, जिसके खिलाफ करीब 30 अपराध हैं। इसके खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, रेप, एक्सटॉर्शन, मारपीट का, घर में घुसकर मारपीट करना, इसके खिलाफ जिला बदर भी हो चुका है। अभी मई के महीने में काफ़ी गंभीर इसने अपराध भी किया है। इसके खिलाफ 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। इसके खिलाफ रासुका भी कार्रवाई हम लोगों ने किया है, लेकिन पिछले एक माह से फरार चल रहा था ये। और जब इसकी संपत्ति का पता किया गया तो इसकी पूरी अवैध संपत्ति अवैध कॉलोनी में बनी हुई है। अपने अवैध कामों से गुंडागर्दी के बल पे इसने 2 मंजिला एक घर बनाया हुआ था, सामने आप देख रहे हैं बड़ा सा 3 शेड अवैध कब्जा किए हुए था। इस तरह का इसको हम पूरी आर्थिक कमर तोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है ताकि उज्जैन शहर में, उज्जैन जिले में अमन चैन और शांति बहाल हो सके और गुंडों के प्रति जो लोगों में भय था उसको समाप्त किया जा सके।